हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब बढ़िया हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, जनरली जो इंग्लिश ग्रामर रहती है वो मैक्सिमम की ठीक ही होती है, ठीक है। जो मेन वीकनेस होती है सब बच्चों की वो एक ही रहती है, और वो होती है वोकैबुलरी, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, नहीं मेरी तो वीक है वोकैबुलरी। ऑब्वियसली आ रही होगी माइंड में, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसको आप पढ़ते जाएंगे ये खत्म नहीं होगी। ओके, न्यू डे के साथ एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट। ओके, सो आज हम वोकैबुलरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ रूट वर्ड्स के साथ। ओके, वोकैबुलरी हम शुरू करेंगे कुछ रूट वर्ड्स के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी वोकैबुलरी है उसके रूट वर्ड्स हैं, और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक होते हैं आपके परफिक्स, और दूसरे आपके क्या होते हैं? सफिक्स। ओके, परफिक्स रहते हैं और सफिक्स रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि परफिक्स और सफिक्स होते क्या है। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ओके, लेट्स सी। अ वर्ड विच इज अटैच्ड इन द बिगनिंग। जो वर्ड, मतलब जो लेटर्स आपके वर्ड की बिगनिंग में स्टार्ट किए हों, वो आपके क्या होते हैं? परफिक्स होते हैं। ओके, जो लेटर्स आपके वर्ड के स्टार्ट में यूज किए हो वो क्या होते हैं? आपके परफिक्सेस होते हैं। वो वर्ड्स हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, जो हमारे नेक्स्ट वर्ड है कुछ इस तरह से हैं, जैसे आप देख सकते हैं परफिक्सेस, मीनिंग और एग्जांपल, ठीक है। देखिए, यूनी, फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे? यूनी, और यूनी का मतलब होता है वन, मतलब एक, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आ गई यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक ग्रुप है, कोई इशू चल रहा है और उस इशू के ऊपर सबकी सोच क्या है? एक है, तो इसलिए हम उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी। और देख सकते हैं आप यहाँ पे वन, मतलब यूनी यहाँ पे आ चुका है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटी। एंटी का मतलब रहता है अगेंस्ट। ओके, एंटी का मतलब रहता है अगेंस्ट, खिलाफ। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं आप यहाँ पे एज एग्जाम्पल जो है एंटीवायरस। एंटी मतलब अगेंस्ट, और वायरस तो आपको पता ही है, ठीक है। एंटीवायरस मतलब वायरस के अगेंस्ट। ओके, एंटीवायरस मतलब वायरस के अगेंस्ट। देखिए कैसे वर्ड्स बन रहे हैं इनसे। नेक्स्ट देखिए, एंटी, एंटी मतलब बिफोर, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है? बिफोर। अब देखिए, इससे जो वर्ड बना है वो क्या है? एंटीसीडेंट, जो हमने अपने नाउन्स में भी रीड किया था। हमारे प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं सेंटेंस में? एंटीसीडेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंटी यहां पर आ चुका है पहले। ओके, और सीडेंट ये आपको पता है सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्कम। सर्कम क्या है? सर्कम का मतलब रहता है अराउंड, ठीक है। अराउंड मतलब आसपास। अब देखिए, सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब आपके आगे पीछे की जो परिस्थिति है, ठीक है। आपके आगे पीछे की जो क्या है? परिस्थिति है। तो सर्कम तो आपको पता है अराउंड, परिस्थिति, स्टांसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थर्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? थर्म। थर्म का मतलब रहता है हमारे पास हीट। थर्म का मतलब क्या रहता है? हीट, ठीक है। अब देखिए, हीट, थर्म से कैसे वर्ड बन रहे हैं? थर्मोमीटर। ओके, देखिए आप देख सकते हैं हीट मापने वाला जो मीटर रहेगा, थर्मोमीटर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांस। ट्रांस का मतलब मोबिलाइज, मतलब कोई चीज मूव करने वाली आगे पीछे। आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास ट्रांस पोर्ट, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मूवेबल थिंग, तो ट्रांसपोर्ट वर्ड बन रहे हैं इससे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि मैं कैसे इन जो हमारे पास परफिक्सेस हैं उनको यूज कर रही हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो परफिक्स है वो है हाइपर। ओके, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है मोर ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज है उसका ज्यादा ज्यादा, ठीक है, मोर ऑफ समथिंग। तो आप देख सकते हैं इसे वर्ड बन रहा है हाइपर टेंशन, ठीक है। जितनी मतलब टेंशन होनी चाहिए उससे ज्यादा है, हाइपर टेंशन हो रही है। ओके, अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ओमनी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी का वर्ड क्या रहता है? ऑल। अब आप देख सकते हैं ओमनीवोरस, मतलब ऐसा जानवर जो हर चीज खाता हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एपी, कभी भी किसी वर्ड के स्टार्ट में लगा है एपी तो उसका मतलब क्या आएगा? क्लोज टू या अपॉन, ठीक है। जैसे हम देखिए यहां पे आपके पास वर्ड बन रहा है एपिटोम। एपिटोम का मतलब हमारे पास क्या रहता है? अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। एपिटोम का मतलब क्या रहता है हमारे पास? अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। उसी तरह से हमारे पास वर्ड आ रहा है डिस, ठीक है। डिस का मतलब क्या रहता है? डिस यहां पे नॉट के लिए यूज होगा, कभी भी स्टार्ट होगा किसी वर्ड में तो, या फिर किसी ऑपोजिट चीज के लिए, जैसे डिसएग्री। अब आप देखिए यहां पे डिस और एग्री, इन दोनों को ब्रेक करके देखते हैं। डिस मतलब नॉट, ठीक है, और एग्री मतलब नहीं मानना, मतलब, ठीक है। तो पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नहीं मानना, ठीक है, डिसएग्री करना।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटर. ओके, इंटर मतलब बीच में, ठीक है, बिटवीन. आप देख सकते हैं इंटर का मतलब बीच में, बिटवीन. अब देखिए इंटर यहां पे आ रहा है, इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, और रप्ट, ठीक है. इंटर मतलब बीच में और रप्ट मतलब रोकना, ठीक है, इंटरप्ट. नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर. ओवर का मतलब हमारे पास रहता है टू मच, बहुत ज्यादा, ठीक है. जैसे ओवर बहुत हीट, ठीक है, गर्म, बहुत ज्यादा गर्मी. ओके, नेक्स्ट देखिए यूएन. हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, अन, यूएन. ये तो यहां तो नॉट के लिए यूज होगा या फिर ऑपोजिट होगा किसी चीज का. अब देखिए यहां पे आपके पास ऑपोजिट आ रहा है, जैसे अन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी, अन इंपॉर्टेंट मतलब ऑपोजिट आ गया, ठीक है, जरूरी नहीं. आई होप कि क्लियर हो रहा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, यहां पे कुछ कंसेप्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं आई एल, आई एम, आई एन और आई आर, ये कुछ वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, जिनका मीन हमारे पास क्या रहता है, नॉट. जिनका मीन क्या है हमारे पास यहाँ पे, नॉट, ठीक है. जैसे आई एल से शुरू होगा तो क्या बन गया, इलीगल, ठीक है. देखिए बीच में क्या आ रहा है आपके पास, नॉट की सेंस आ रही है. लीगल मतलब पूरे कानूनी तौर पर, और इलीगल मतलब बिल्कुल कानूनी तौर पर नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं की सेंस आ रही है. अब इम्पॉसिबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. पॉसिबल मतलब क्या है, जो आपके पास संभव है, ठीक है. इम लग गया तो नॉट की सेंस आ गई, असंभव, ठीक है. अब देखिए इररिस्पॉन्सिबल, ये भी देखिए यहां पे इर लगने से क्या हो गया आपका, ये नहीं वाली सेंस दे रहा है, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है. लेकिन हमारे पास यहां पे कंसेप्ट ये है, आई एम और आई एन, ये दो जो हमारे स्टार्टिंग वर्ड रहते हैं, समटाइम इट मीन्स इनटू, कहीं कहीं इसका मतलब क्या रहता है, इनटू. जैसे इंपोर्ट मतलब बाहर के देश से कोई सामान अपने देश में लाना, तो इंपोर्ट करना, इनटू. ओके, उसी तरह से इंसर्ट आ गया, पुट समथिंग इन समथिंग, ठीक है, तो इंसर्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे. आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फिक्सेस की. स्फिक्सेस क्या होते हैं हमारे पास. ओके, नेक्स्ट हम बात किसके बारे में करेंगे, हमारे स्फिक्सेस के बारे में बात करेंगे. अ वर्ड विच इज अटैच्ड एट द एंड, ठीक है. जब भी कोई लेटर्स आपके वर्ड के लास्ट में अटैच किए गए हों, वो वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, स्फिक्सेस कहलाते हैं. वो वर्ड क्या कहलाते हैं आपके, स्फिक्सेस. अगर याद रखने का तरीका हो तो सिंपल, परफिक्सेस, जो परफिक्सेस रहते हैं वो शुरू में लगते हैं और स्फिक्सेस आपके एंड में लगते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है ए सी वाई, ठीक है. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये लेटर्स होंगे ए सी वाई, तो वो क्या मेंशन करते हैं उस वर्ड का, स्टेट, ठीक है. वहां पे क्या मेंशन हो रही है आपको, किसी भी चीज की स्टेट, कि उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्टेट है. ओके, जैसे देखिए हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे एक्यूरेसी. ओके, हमारे पास एग्जाम्पल है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सही, तो ये भी क्या है, एक तरह की स्टेट ही है. ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं हमारे पास ए एल. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए एल लिखा गया है तो इसका मतलब क्या रहता है, प्रोसेस ऑफ समथिंग, कि कोई चीज, जिस चीज की क्या चल रही है, प्रोसेस चल रही है. जैसे हमारे पास वर्ड है एज एग्जाम्पल यहाँ पे डिनायल, ठीक है. डिनायल का मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है. आप कोई एक चीज कर रहे हैं, सामने वाला बंदा उसको क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है, ठीक है. मतलब उसको, उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, उसको डिनायल कर रहा है, तो एक तरह की क्या रहती है हमारे पास, प्रोसेस रहती है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. F by या फिर IF by, ये क्या मेंशन करते हैं, किसी चीज की स्टेट मेंशन करेंगे या फिर विकम, जहां जो चीज क्या है, बनी है, वो मेंशन करेंगे. देखिए जैसे मॉडिफाई, मॉडिफाई एक तरह की क्या है हमारे पास, स्टेट है. जैसे कोई चीज मॉडिफाई हुई है तो वो क्या है, उस चीज की स्टेट है. तो ये क्या कर रहे हैं, स्टेट मेंशन कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए ISM, ठीक है. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये लगा है ISM, तो वो क्या शो करता है, बिलीव्स शो करता है आपके, ठीक है, कि आपके विश्वास क्या है, बिलीव्स क्या है, ठीक है. जैसे ह्यूमैनिज्म, ठीक है, इंसानियत आ गया, फिर आ गया आपके हिंदुइज्म आ गया, ठीक है, जैनिज्म आ गया, और भी बड़े सारे वर्ड्स आपके पास ऐसे होते हैं. अब देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए टी ई लगा है तो उसका क्या मतलब है, बनना, ठीक है, या बना जो भी है, ठीक है. और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है मॉडरेट, ठीक है. मॉडरेट मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक है, मिडल में जो रहेगा, मॉडरेट, ठीक है. कोई चीज अगर आपकी मॉडरेट है, बनी है, ठीक है, मेक हुई है. नेक्स्ट आपके पास देखिए आई ओ एन या फिर टी आई ओ एन, ठीक है. ये दो अगर वर्ड्स मतलब लास्ट में लगे हैं कहीं पे भी, तो वो क्या आप शो करते हैं, कोई एक्ट शो कर रहे हैं या कोई प्रोसेस शो कर रहे हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लगा है आई ओ एन, एज एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसको, ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, मोशन, मतलब कोई एक्ट शो कर रहा है, कोई प्रोसेस शो कर रहा है. ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
ओके नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ड या फिर वर्ड्स, ठीक है। कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में वर्ड लिखा हो या वर्ड्स लिखा हो तो वो क्या शो करता है, आपकी डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, आपकी डायरेक्शन। जैसे आफ्टरवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ठीक है, फॉरवर्ड्स, ओके बैकवर्ड्स, ये क्या है, आपके डायरेक्शन शो करने वाले वर्ड्स है जिनके लास्ट में वर्ड्स वगैरह या वर्ड लगाओ। नेक्स्ट देखिए आई एस टी और, ये दो वर्ड्स है हमारे पास, ये क्या शो करते हैं, ऑब्जेक्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट या पर्सन डूअर ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे आप पर्सन है कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसके लास्ट में अगर ये वर्ड्स यूज किए गए हो, ठीक है, ये शो करता है। जैसे हमारे पास वर्ड आ रहा है क्रिएटर, अब आप देख सकते हैं ओ आर यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, तो क्रिएटर डूअर ऑफ समथिंग कुछ बना रहा है, साइंटिस्ट, ठीक है, देखिए वहां पे आई एस टी लग गया उसमें, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए एन सी ई, जिसके लास्ट में ये लगा हो या ई एन सी ई लगा हो, वो क्या शो करता है, क्वालिटी शो करेगा या फिर किसी चीज की सिचुएशन शो करेगा, ओके। जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्ड है डिस्टर्बेंस, ओके डिस्टर्बेंस, ये क्या शो कर रहा है, उसकी सिचुएशन शो कर रहा है, डिस्टर्बेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए बी एल ई या आई बी एल ई, ये क्या शो करेगा, कैपेबिलिटी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन बी, मतलब कर सकता है या कर सकता नहीं है, ठीक है, ये ए बी एल जो है वो क्या शो कर रहा है, कर सकता है इस तरह का। जैसे अफोर्डेबल, ठीक है, अफोर्डेबल मतलब वो चीज ये क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल है ये चीज, वो कर सकता है इसको अफोर्ड। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं ओ यू एस और ई ओ यू एस, ठीक है, दो वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं ओ यू एस या ई ओ यू एस, ठीक है, ये वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। जब भी ऐसे वर्ड्स हमारे पास होंगे तो इसमें क्या शो हो रहा है, आपको क्वालिटीज दिख रही है, ठीक है, हैविंग क्वालिटीज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे करेजियस, ठीक है, करेजियस जो हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब होता है साहसी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड आ चुके हैं लास्ट में, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या शो करते हैं, ये किस चीज की क्वालिटी शो करते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है एक्वामरीन, ओके, एक्वा मतलब वाटर, वाटर से रिलेट हो रहा है, और मरीन मतलब सॉल्टी, ठीक है, तो ये दोनों चीजें किससे रिलेट हो रही हैं, आपके सी से, ओके, वाटर भी रहेगा वहां पे, सॉल्टी भी है, तो ये सी से रिलेट हो रहा है वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सर्कम, सर्कम मतलब अराउंड और फेंस मतलब एरिया, मतलब आगे पीछे वाला जो एरिया है, तो देखिए वर्ड्स को ऐसे स्प्लिट करके हमने क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब स्प्रेड होना, ओके, मोबिलाइज है ऑब्वियसली कोई चीज, तभी आगे पीछे क्या हो रही है, वो ट्रांसमिट हो रही है, आगे पीछे फैल रही है, ठीक है, जैसे बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिस, डिस का मतलब होता है नॉट और कवर। अब देखिए जो चीज पहले नहीं हुई है, ठीक है, आपने उसको जाना है, आपने उसको खोजा है, तो वो चीज क्या होगी, आपकी डिस्कवर, ओके, वो चीज क्या होगी, आपकी डिस्कवर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटर और मीडिएट, इंटर का मतलब रहता है बिटवीन, ओके, मतलब इंटरमीडिएट का ओवरऑल मीनिंग रहेगा बीच वाला, ओके, इंटरमीडिएट का क्या रहेगा, मतलब बीच वाला। अब नेक्स्ट देखिए इन और डायरेक्ट, इन मतलब नहीं, नॉट, डायरेक्ट मतलब सीधे, मतलब सीधे नहीं, क्या करना है, बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट, ठीक है, किसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमोरल, हमारे पास वर्ड क्या है यहाँ पे, इमोरल, ठीक है, इम का मतलब आएगा नॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर, मतलब जिसका गुड बिहेवियर नहीं हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इमोरल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओवर, ओवर मतलब टू मच, ठीक है, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, ज्यादा विश्वास, तो क्या आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रेशियस, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ग्रेशियस, तो देखिए ओ यू एस लगा है इसके लास्ट में, ठीक है, तो मतलब क्वालिटी शो कर रहा है, ओ यू एस लगा है तो कोई क्वालिटी शो कर रहा है, तो क्या है क्वालिटी, वो अ मैन ऑफ काइंड बिहेवियर, ठीक है, पोलाइट बिहेवियर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेशियस, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडिशन, ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडिशन, अब आप देखिए लास्ट में क्या लगा है, टी आई ओ एन, लास्ट में क्या यूज किया गया हमारे यहाँ पे, टी आई ओ एन, तो अब देखिए यहाँ पे ये कोई एक्ट या फिर कोई प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है, एडिशन जनरली किसकी होती है, मैगजीन्स की होती है, न्यूज पेपर की सीरीज की होती है, ओके, तो ये वही वाला एडिशन है यहाँ पे। अब यू एन लगा है तो मतलब वन, नेक्स्ट है यूएन मतलब वन, ओके, तो यूनिक मतलब अ मैन ऑफ वन काइंड, जो कि कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेला है एक वैसा, ठीक है, तो वो चीज क्या आ जाती है, आपकी यूनिक आ जाती है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे वो है सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल आई बी एल लगा है लास्ट में, मतलब कैन बी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिबल का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि जिसको हर चीज की सेंस हो, ठीक है, वो मतलब क्या है, वो इंसान क्या होता है, सेंसिबल होता है।
उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंटी, मतलब अगेंस्ट वर्ड आ चुका है एंटी क्लाइमेक्स। अब जनरली हम अगर मूवीज की बात करें तो मूवीज का जो क्लाइमेक्स रहता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है मूवी का। अब देखिए अगर क्लाइमेक्स जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, अगर उसके साथ एंटी वर्ड लग गया ठीक है मतलब अगेंस्ट, तो वो क्या करेगा, उसको हार्म कर रहा है क्लाइमेक्स को, मतलब क्लाइमेक्स अगर आपका क्या रहता है जैसा वो होता है वैसा वो रहेगा नहीं ठीक है, तो एंटी क्लाइमेक्स। ओके आई होप कि समझ में आ गया। चलिए तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको लास्ट टाइम एग्जाम्स में एंटोनिम और सिनोनिम आए थे एग्जाम में, किस तरीके से आए थे, किस तरीके से उनको सॉल्व करना था, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा ये, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड ज्वाइनिंग मी ऑल्सो। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।